बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की शपथ दिलाई। साथ में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर और रेणु देवी ने भी शपथ ली। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी शपथ समारोह में उपस्थित। बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। मुख्यमंत्री तो नीतीश होंगे पर सरकार में दबदबा बीजेपी का होगा। एक तरफ सुशील मोदी को अलग कर दिया गया, वहीं सरकार में दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के और विधानसभा अध्यक्ष भी बीजेपी का तय है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल बोले, कांग्रेस ने पिछले 6 सालों में कभी आत्मविश्लेषण नहीं किया और आज कांग्रेस को लोग विकल्प नहीं मानते हैं। ऐश्वर्या अभिषेक की बिटिया के 9वें जन्मदिन पर आराध्या का भजन गाते हुए वायरल वीडियो धूम मचा रहा। यूपी कानपुर के चकेरी इलाके में 2 समुदायों के बीच पानी के छींटों के पड़ने को लेकर हिंसक झड़प, एक युवक की मौत, कई घायल, 4 गिरफ्तार किए गए। केदारनाथ और यमुनोत्री के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ शीतकाल के लिए बंद हुए। कपाट बंद होते ही भारी बर्फबारी। लखनऊ विकास प्राधिकरण 19 तारीख को बैठक कर अवैध निर्माणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही का रोस्टर तैयार करेगा। LDA ने अवैध निर्माणों की सूची तैयार कर ली है और अब ध्वस्तीकरण के साथ लापरवाही करने वाले विभागीय लोगों पर भी कार्यवाही होगी। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।